उल्लासनगर के विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कुर्ला कैंप स्थित जय अम्बे माता मंदिर से 9 जून को मंदिर से माता की मूर्ति, जेवर, दान पेटी और मंदिर में रखी दूसरी चीज़ों की अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उल्लासनगर कैंप 4 के कुर्ला कैंप काली माता मंदिर के पास जय अम्बे माता का मंदिर है। इस मंदिर का रखरखाव करने वाले दीपक रूपचंद छादीजा ने 9 जून की रात को 10:30 बजे जय अम्बे माता मंदिर से माता की मूर्ति, जेवर, दान पेटी और इसके साथ दूसरी भी एल्यूमिनियम और तांबे की चीज़ों की चोरी की शिकायत दर्ज कराई। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोरात जी और PSI राजपूत मंदिर पहुंचे और छानबीन शुरू की। मंदिर और मंदिर के रास्ते पर CCTV नहीं था, पर परिसर में लगी दूसरी CCTV कैमराओं को देखा गया, जिसके बाद परिसर के CCTV और एक गुप्त जानकारी के आधार पर कैंप 5 के कैलाश कॉलोनी में 3 नाबालिग बच्चे जो रास्ते पर संदेहास्पद घूम रहे थे, इनको ताबे में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने कुर्ला कैंप के जय अम्बे माता मंदिर में चोरी करने की बात कबूल की और इनके पास से मंदिर से चोरी किए हुए जेवर जिनकी कीमत 80,000 रुपये वह बरामद किए गए हैं और बाकी की चीज़ें इन्होंने एक भंगार वाले को बेची हैं जिसका नाम शकील का दोस्त मोहम्मद अहमद है, जो कुर्ला कैंप रोड शांति सागर होटल के पास है, इसको बेची गई थी। जिसके बाद पुलिस ने भंगार वाले को ताबे में लेकर मंदिर में चोरी की सख्ती से उससे पूछताछ की गई और इसने मंदिर से चोरी हुए सामान इसके पास है इस बात को कबूल किया और भंगार वाले के घर की तलाशी ली गई और मंदिर से चोरी किए हुए देवी देवताओं की एल्यूमिनियम और पीतल की मूर्तियां, त्रिशूल और दान पेटी ऐसा कुल 25,000 रुपये का सामान बरामद किया गया है। जय अम्बे माता मंदिर से चोरी किया हुआ पूरा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है और आगे की जाँच विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ से की जा रही है। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद में कुर्ला कैंप एरिया में एक जय अम्बे माता मंदिर है। कल पुलिस स्टेशन को ये खबर मिली कि इस मंदिर में जो अम्बे माता की मूर्ति है, उस मूर्ति के मूर्ति पर जो जेवरात थे, कुछ और मूर्तियां जो चांदी की और एल्यूमिनियम की मूर्तियां थी, वो मूर्तियां और साहित्य कुछ वस्तुएं थी मंदिर में, उनकी चोरी हो गई है। ये खबर मिलने के बाद तत्काल सीनियर PI इन्होंने स्पॉट पर गए। वहाँ पे CCTV फुटेज अवेलेबल नहीं था, पूरा एरिया का जो कुछ CCTV कैमरा था पूरा उन्होंने उसका एनालिसिस किया। PSI राजपूत और उनकी टीम को इसका इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया था। उन्होंने 4 घंटे के अंदर उन्होंने सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए, वो कौन थे उनको कस्टडी में लिया और ये पूरा माल जो चोरी गया था वो रिकवर कर लिया गया। सर लगभग कितने का माल होगा ये? ये 1,25,000 के करीब कीमत का ये माल था। तो सर क्या उद्देश्य वो चोरी करने आए थे वहाँ पर? तो ये कुछ मतलब माइनर लड़कों ने ये चोरी की थी। ये लोग कचरा उठाने का काम करते हैं, उनको दरवाज़ा खुला दिखा मंदिर का, इसलिए उन्होंने चोरी की है। उन्होंने जिसको ये साहित्य या जो चोरी का माल है जिसको बेचा था, जिसके पास दिया था, उसको भी हमने कस्टडी में लिया। तो क्या धाराएं लगाई इनके ऊपर? इनके ऊपर हमने 300 IPC 380 411 और 34 34 ये धाराएं लगाई। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।